दोस्तों, आप भी शिखर धवन एडम मक्रम को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हैदराबाद के बीच खेले गए महामुकाबले में क्या है पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो में आगे, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। हैदराबाद ने पंजाब को 8 विकेट से हराकर बड़ी जीत हासिल की है। हैदराबाद कप्तान एडम मक्रम ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पंजाब ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 143 रन बना, अपने जवाब में सनराइजर्स की टीम ने 17 ओवर 1 गेंद में 2 विकेट खोकर 145 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम ने हैदराबाद के सामने 144 रन का लक्ष्य रखा था। शिखर धवन ने 99 रन की पारी के बदले पंजाब ने 9 विकेट के नुकसान में 143 रन बना पाई। शिखर धवन के अलावा सेम करन ने दहाई के आकार छू सके। सेम करन ने 22 रन की पारी खेली। हैदराबाद के लिए मैरिक मांडो को 4 विकेट मिले। इमरान मलिक और मार्को यानसेन को 2 सफलता मिली। भुवनेश्वर कुमार को 1 सफलता मिला। इस मैच में शतक तो चूक गए लेकिन उन्होंने 99 रन के पारी के बदले पंजाब को टीम का स्कोर लड़ने लायक बना दिया था। पंजाब के लिए कप्तान शिखर धवन ने 42 गेंद में अपना 8 शतक पूरा किया था। इस लक्ष्य को पीछा करने मैदान पर हैरी बुक और मयंक अग्रवाल आए। हैरी बुक ने 14 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए और वहीं दूसरी तरफ मयंक अग्रवाल ने 20 गेंद में 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इनके बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर राहुल त्रिपाठी ने शानदार शतक लगा। उन्होंने 48 गेंद में 74 रन की शानदार पारी खेलते हुए 10 चौके और 3 छक्के लगाए। राहुल त्रिपाठी और एडम मक्रम ने 70 गेंद में 111 रन की नाबाद साझेदारी निभाई। राहुल त्रिपाठी अपनी पारी में 10 चौके और 3 छक्के की मदद से 74 रन बनाए थे और वहीं एडम मक्रम ने 21 गेंद में 37 रन बनाकर अपने पारी में 6 चौके लगाए थे। पंजाब की ओर से अर्दीप सिंह और राहुल चौहान को 1-1 सफलता मिली। तो ऐसे ही क्रिकेट से हर खबर पाने के लिए क्रिकेट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।